country. Bandit! क्या कार्यकर्ता आए हैं? आप चुप बैठ जाएं, अपने अपने जगह पर सब में बात करूंगा। तो फिर से वो वर्कर्स जो किसान के थे उन्होंने धक्का मुक्का देकर उसको बाहर निकाला, फिर वो आगे मंच में फिर उसको धक्का मारा निकाला। और जो बयानबाजी कर रहे हैं हम नहीं सुनेंगे। कथित एक व्यक्ति अपने आप को भी किसान कांग्रेस के नेता कहकर मंच पर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, भाषण देने का प्रयास कर रहे थे, इसी से उन्हें रोका गया। ये सब चर्चाएं तो बहुत लोग पेनिट्रेट करना चाहते हैं, व्हाट इज गोइंग ऑन इन कांग्रेस, और ऐसा कोई बात नहीं, वी आर वन एंड। स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में, मैं रतन सेन भारती। कांग्रेस कार्यालय यानी कि सदाकत आश्रम में कुछ देर पहले मारपीट हुई है, आइए कांग्रेस नेताओं ने क्या कुछ कहा सुनते हैं। नहीं, वो किसान मोर्चा संगठन का बैठक चल रहा था, मारपीट नहीं हुआ, हुआ क्या, एक बाहरी आदमी जानबूझ के उसको डिस्टर्ब करने के लिए घुस गया। जो हम लोग के भाषण चल रहे थे, सब लोग दे रहे थे, अपने किसान मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं, जानबूझ के चढ़ के डिस्टर्ब करने के लिए उनको पहले हम बोलेंगे। तो यार ठीक है, आप पदाधिकारी नहीं हो, आप ठीक है कहाँ से आए हो पता भी नहीं है, उसको हम लोग नहीं जानते हैं, वर्कर नहीं है वो, जानबूझ के डिस्टर्ब कर, जानते हैं आजकल क्या हो रहा है राजनीति में। उसको फिर से वो वर्कर जो किसान के थे उन्होंने धक्का मुक्का देकर उसको बाहर निकाला, फिर वो आगे मंच पे फिर उसको धक्का मारा निकाला, यही हुआ है। कोई वर्कर्स में कोई लड़ाई नहीं हुई है। फिर आप बैठक देखे होंगे, प्रभारी ने बड़े अच्छे शब्दों में किसान के लिए क्या बातें थी बोला है, लोगों ने सुना है, थोड़ा बहुत अभी होगा, चूँकि सबको डर ये है, कभी सुनते कांग्रेस टूट रही है, कभी राजद टूट रही है, ये सब चर्चाएं तो बहुत लोग पेनिट्रेट करना चाहते हैं, व्हाट इज गोइंग ऑन इन कांग्रेस, और ऐसा कोई बात नहीं है, वी आर वन एंड वी विल बी वन। तो क्या लगता है कि जैसे आपकी विपक्षी पार्टियां हैं साजिश के तहत लोगों को भेज रही है कांग्रेस? अब ये अभी नहीं कहेंगे, लेकिन वो आदमी कांग्रेसी नहीं था ये बात पक्का है, ये हम लोगों ने देख लिया, क्योंकि कांग्रेसी सबको हम जानते हैं। अब किसने भेजा नहीं भेजा ये तो बाद में पता चले, कि वो कांग्रेसी नहीं थे, डिस्टर्ब करने के नियत से वो आए थे। सर, क्या चिन्हित करके कार्रवाई भी की जाएगी? बिल्कुल, अगर चिन्हित हो गया वो तो फिर बाहर चला गया, हम लोग इतने भीड़ में पूछ नहीं पाए कि नाम क्या है उसका, किसी से पूछा होगा तो बाद में बता सकते हैं, अभी हम नाम नहीं जानते हैं। सर, वो ऐसे कहते हैं कि दिल्ली में वो अपने आप को किसान के नेता और कांग्रेस के किसान, बिहार किसान के नेता अपने आप को बताते हैं, ऐसा भाई अब कोई आके बोले वहाँ से कि हम CLP लीडर हैं, हम अध्यक्ष हैं, जो है सो है, अगर हो तो सबको ही जानेगा, हम तो नहीं जान रहे हैं, विधायक दल के नेता उनको नहीं जान रहे हैं। Thank you.
आखिर सदाकत आश्रम हम क्यों पहुंचे हैं? सीधा हम कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर से जानेंगे। सर, आज क्या कुछ हुआ कांग्रेस में? आज कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रदेश नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी भक्तचरण दास साहब यहाँ पहुँचे हुए हैं। लगातार वो कल ही पहुँचे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। तमाम कांग्रेस जनों से मिल रहे हैं, कांग्रेस के अलग अलग संगठनों के साथ बात कर रहे हैं, सीएलपी के साथ, तमाम विधायक के साथ, अभी एक्स एमएलए के साथ, एआईसीसी के मेंबर के साथ उन्होंने बात किया है, कल एमएलए के साथ उनकी मीटिंग थी। इसी दरमियान चूँकि अभी देश भर में किसान के पेट पे भारत सरकार ने जो लात मारी है, तो किसान संगठनों को मजबूत कर किसान आंदोलन करने के लिए खासकर किसान कांग्रेस के ब्लॉक से लेकर प्रदेश स्तर के तमाम पदाधिकारियों की बैठक थी। उसी बैठक में हमारे प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, सीएलपी लीडर साहब और किसान कांग्रेस के साउथ और नॉर्थ के दोनों प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे। इसी बीच में तथाकथित एक व्यक्ति अपने आप को भी किसान कांग्रेस के नेता कहकर मंच पर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, भाषण देने का प्रयास कर रहे थे। इसी से उन्हें रोका गया, जिस पर उन्होंने उपद्रव मचाने की कोशिश की, विरोधियों के सह पर उसको हम लोग शांत कराने का प्रयास किया। तो सर, ऐसा है कि वो कांग्रेस के नेता नहीं है, आप लोगों का कहना है? माननीय प्रदेश प्रभारी स्पष्ट शब्दों में कह दिए हैं कि वो किसान कांग्रेस के नेता नहीं है, जो उपद्रव कर रहे थे, जो कुर्सी फेंक रहे थे। तो उन्होंने तो ऐसा कुछ कहा है कि हम किसान के नेता हैं, बिहार में किसान के नेता हैं, ऐसा कुछ वो लगातार कहते हैं? बिहार में तो हर दल में किसान के नेता हैं, कई लोग किसी दल में नहीं है फिर भी किसान के नेता हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, वो किसान कांग्रेस के नेता नहीं है। हो सकते हैं तथाकथित किसान के नेता हों, लेकिन हमारे किसान, हमारे कांग्रेस पार्टी के वो नेता नहीं है। इसी से तो मैं कह रहा हूँ कि विरोधियों के सह पे किसानों के आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए तथाकथित किसान नेता आज किसान नेताओं की मीटिंग में उपद्रव करने का प्रयास किया। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर, जो कह रहे थे कि आखिर आज किसान बैठक जो हुई, आज किसानों की, उसको लेकर क्या कुछ उपद्रव हुआ और वो कौन था, वो कौन नया था, वो पुराना था, क्या था, इसको लेकर ये स्पष्ट कर रहे थे। तो आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज़, और ऐसे ही देखते रहें बिहारी न्यूज़ को।